शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ये क्या कर रहे हो? क्या ठीक नहीं है? ये लड़का रिया के लिए ठीक नहीं है। तुम्हारे पापा की जगह सिर्फ तुम्हारे दिल में है, लेकिन मैं तुम्हारी सांसों में उतर चुका हूँ। क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं। नींद की गोली। आप भूल क्यों नहीं जाते सब कुछ? कितने दिन अपने आप को यूं कोसते रहोगे? मुझे देखो, मैंने भी तो धीरे धीरे ही सही लेकिन चीना सीख लिया ना। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि कम से कम हमारे पास हमारी बेटी तो है? रिया पार्टी में गई थी ना, वापस आ गई? 12 बजे के बाद तुम्हारी बेटी घर से बाहर रहती है कभी? देख लेते हैं, तुम आओगी? हो गई तसल्ली, अब चलिए। हाय मॉम, हाय डैड। बाय मॉम। बाय डैड। अरे नाश्ता तो करती जाओ तुम। अरे ये क्या हुआ बेटा? पहाड़ उठा रही थी, उंगली पर गिर गया। कम ऑन पापा, छोटी सी पिन थी, थोड़ा सा खून बहा है। पिन रस्टेड नहीं थी और 2 हफ्ते पहले मैंने टेटनिस का इंजेक्शन ले लिया है। अब मैं चलूं? अरे पर आज तुम जरूरत से ज्यादा जल्दी नहीं जा रही हो। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो थर्सडे के दिन तुम्हारी 10 बजे से पहले कोई क्लास स्टार्ट होती नहीं। पापा मैं लाइब्रेरी जाऊंगी, बुक्स ढूंढूंगी, फ्रेंड्स के साथ नोट्स एक्सचेंज करूंगी। क्लासरूम में जाने से पहले क्लासरूम की तैयारी करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है। हाँ वो तो है। चलो मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। हॉस्पिटल? हाँ पापा, आज आप कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी नहीं जा रहे हैं। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 10 बजे से पहले आपका कोई ऑपरेशन है ही नहीं। देखो बेटा, कैंटीन जाऊंगा, औजार तैयार करूंगा, पेशेंट्स का हौसला बढ़ाऊंगा। रिया, ऑपरेशन थिएटर जाने से पहले बड़ी तैयारी करनी पड़ती है, माहौल बनाना पड़ता है। पापा, why don't you understand? आप मेरे साथ कॉलेज नहीं आ सकते। ओहो, समझ गया, समझ गया, समझ गया। तो मैं तुम्हारे फ्रेंड्स के सामने इस बूढ़े बाप के साथ कॉलेज जाने में शर्म आ रही है। तुम्हारे जितने भी यंग और रोमांटिक फ्रेंड्स हैं, वो जैसे ही तुम्हें और मुझे गाड़ी से उतरते हुए देखेंगे, बोलेंगे, hey guys, check this out, who's the dude with Rhea? Looks like he's kinda happening. Dude, नहीं यार, Dad, that old man is Rhea's father. Oh, got my thunder wrong there. That is so uncool. That is so unromantic. Rhea, baby, you just not with it. Getting your dad to escort you to college? Come on, why don't you bring him to the classroom? That would be like so much rocking. Papa. I love you, Papa. आपके साथ कहीं भी जाते हुए मुझे कभी शर्म नहीं आती। अब तुमने कह दिया तो तुम्हें कॉलेज छोड़ दूं? पापा। ओके पापा, सी यू, लव यू। ओके, बाय।
कहाँ जा रही हो? क्लास में। इतनी सुबह? सुबह 9:30 बज रहे हैं। अरे यार, कॉफी पीने चलते हैं। डोंट बी अ बोर। चलो। अरे सुनो चलो ना। अरे मुझे लाइब्रेरी जाना है। क्या कर रहे हो? ओके। व्हाट डू यू लव? आई विल हैव वन कैपुचिनो विद चॉकलेट एंड यू नो आई मिस यू। बट आई डोंट मिस यू। व्हाट डू यू लव? नथिंग। नथिंग विद आइसक्रीम? शट अप। अभी कॉफी का मन नहीं है। बाद में ट्रीट देनी होगी। बाद में ट्रीट दे दूंगा। ओके। रिया, आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या? मालूम है मैं कल रात डिस्को किसके साथ गई थी? किसके साथ? रोहित। तू भी कमाल है। कभी रोहित, कभी मोहित, कभी सुनील, कभी विशाल। कब सुधरेगी यार? अरे इसमें सुधरने या बिगड़ने वाली कौन सी बात है रिया? ये लाइफ पार्टनर के बारे में है। सभी को ट्राई करना चाहिए, फिर ही मिस्टर करेक्ट मिलेगा यार। आई डोंट एग्री विद यू। प्यार सिर्फ एक बार किया जा सकता है और उसके लिए हर किसी को आजमाने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ दिल की आवाज सुननी होती है। ए, कोई है क्या? है तो नहीं, मगर जो कोई भी होगा बहुत स्पेशल होगा। उसके आने के बाद मेरी जिंदगी में और कोई नहीं आएगा। यू नो नताशा, आई विल बी वेरी हैप्पी इन लव। अरे कौन लाइफ में हैप्पी हो रहा है? कौन लाइफ पार्टनर ढूंढ रहा है? बाय द वे, मेरे लिए कोई चांस बन सकेगी? तुम जिसके लाइफ पार्टनर बनोगे ना, उसकी तो लाइफ पहले से खत्म हो जाएगी। क्या रिया, बस क्या? बस इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, मैं चलती हूँ। आई कांट बंक इट। रिया 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 रिया, अरे वो प्रोफेसर अपने घर की इकोनॉमिक्स ठीक नहीं कर सकता, वो हमें क्या पढ़ाएगा? देखो, कॉफी पिलाता हूँ। तुम लोग बातें करो, मैं तुमसे कॉलेज में मिलती हूँ। रिया कॉफी। रिया कॉफी। रिया कॉफी क्या? मेरी कॉफी किधर है? Audrey, yeah, mop. क्या बात है फ्रेडी? कुछ डिस्टर्ब लग रहा है? नहीं यार, कुछ नहीं, बस बच्चे जवान होते जा रहे हैं, अब ऐसा तो लगा ही रहेगा। क्यों, क्या बात है? फिरोज तो ठीक है ना? हाँ फिरोज तो ठीक है, लेकिन उसके दोस्त ठीक नहीं है यार। कुछ समझ में नहीं आता, आजकल की जनरेशन कहाँ जाना चाहती है? सबके सब पढ़े लिखे हैं, अच्छी फैमिली से हैं, घर में आते जाते रहते हैं, सबको रिस्पेक्ट देते हैं, हा? पर किसी के माथे पे तो कुछ लिखा नहीं रहता। सर, सर अखबार में आपका आर्टिकल छपा है। हाँ, थैंक यू। कम। हाँ, तुम कह रहे थे।
क्या किया फिरोज ने जो तुम इतने बस वो लोग ड्रग्स के साथ पकड़े गए ओह माय गॉड जब पुलिस वालों ने उनसे पूछा कि तुम कहां से आ रहे हो तो उन्होंने फिरोज का नाम लिया शुक्र है कि पुलिस कमिश्नर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है थोड़ी सी पूछताछ करके फिरोज को छोड़ दिया वरना बहुत बड़ा लफड़ा खड़ा हो सकता था चलिए थैंक गॉड बी केयरफुल फ्रेडी मालूम नहीं यार ये डिस्को का चक्कर हमारे नौजवानों को कहां ले जाएगा शौक से शुरू होता है शौक आदत में बदल जाता है और फिर आदत लत बन जाती है और उस लत को पूरा करने के लिए नौजवान कोई भी उल्टा सीधा काम कर सकता है मेरा अगर बस चलता ना तो मैं इस शहर के तमाम डिस्कोस को अभी और इसी वक्त बंद करवा देता रिया मल्होत्रा थर्ड ईयर सिटी कॉलेज ऑफ आर्ट्स तुम्हारे किताब पे लिखा था और इस वक्त तुम बिल्कुल अकेली हो तुम्हारे चेहरे पे लिखा है गलत मैं यहां अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स के साथ होते हुए भी तो इंसान अकेला हो सकता है कर जा रहे हो मुझे एक्सक्यूज मी हेलो कहां लेकर जा रहे हो देखो मुझे डांस करना नहीं आता डांस करने के लिए डांस आना जरूरी नहीं है देखो आई एम फीलिंग वेरी ऑकवर्ड मेरी आंखों में देखो देखो आई डोंट लाइक दिस मेरी आंखों में देखो प्लीज मेरी आंखों में देखो सबको सिर्फ महसूस करो सुनो अपने दिल की धड़कन को जो तुम्हारे हर सांस के साथ कुछ कहना चाहती है क्या सुनाई दिया क्या कहती है धड़कन क्या कह रहा है तुम्हारा दिल मेरा दिल बोलो मेरा दिल एक्सक्यूज मी मिस ये आप हैं आपसे कोई बाहर मिलना है मेरा नाम आर्यन है पापा हे hey! आप हाँ वो एक्चुअली मैं हॉस्पिटल से वापस आ रहा था तो रास्ते में ये दुकान मुझे दिख गई जहां 20% डिस्काउंट मिल रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जाए और ये मैंने ये फैमिली पैक खरीद लिया अब जब घर जाने लगा तो सडनली मुझे रियलाइज हुआ अरे घर में तो फैमिली नहीं है फिर इस पैक का क्या होगा तो मैंने सोचा मैं रास्ते में तुम्हें पिकअप कर लेता हूँ फैमिली भी मिल जाएगी और ये आइसक्रीम भी खा लेंगे पापा हाँ। मुझे घर ले जाने के लिए आपको इससे अच्छा बहाना नहीं मिला सच पूछो तो नहीं मिला क्या
तुम घर पे नहीं होती तो घर जाने का मन ही नहीं करता। So, let's go. Thank you. Come on. ग्रैंड रोड का केस है सर, कोई धंधा करने वाली है। जॉ लाइन में 3 फ्रैक्चर्स हैं सर और चेहरे की हालत बहुत खराब है। कस्टमर से झगड़ा हो गया और उसमें मारपीट हो गई। यू गॉट द एक्स-रे सर। ओह माय गॉड, किस मनुष्य जानवर ने किया ये? The relationship between marginal cost and average cost. It can be seen that initially both marginal. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देख रहा हूँ तुम मुझसे दूर रहकर भी अब तक जिंदा कैसी हो। Please जाओ यहाँ से। आर्यन जाऊँगा पर तुम्हारे बिना नहीं। कोई देख लेगा तो चलो, जहां कोई ना देखे। क्लास चल रही है, सांस रुक रही है, पकड़े जाएंगे अगर हम यूं ही बैठे रहे तो। बोला था ना आज के दिन यहां कोई नहीं आएगा। स्लिप हो गया माइंड से। चल तुम यहां रहते हो? यहां तो मेरी मजबूरी रहती है तब तक जब तक कोई ढंग का काम ना मिले। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहते? रहते थे एक्सीडेंट से पहले। जब मैं 8 साल का था बॉम्बे पुणे हाईवे पर उनकी गाड़ी ट्रक से टकरा गई थी, तब से मैं अकेला हो गया। आई एम सॉरी। पर अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूं। तुम्हारे कॉलेज के पास मेरी गाड़ी तुमसे टकराई, तुम मुझे मिल गई। कितनी अजीब बात है, मैंने सब कुछ खोया एक्सीडेंट से और सब कुछ पाया भी एक्सीडेंट से। तुमने बताया नहीं कि तुम क्या काम करते हो। जब तक बेकार हूं कार बेचता हूं। मतलब इसे भी मेरी मजबूरी का एक हिस्सा समझ लो। जब तक अपनी मंजिल नहीं मिल जाती कार शोरूम में सेल्समैन का काम करता हूं। पर तुम्हारी मंजिल है क्या? खूबसूरत हूं मैं रियल लाइफ में नहीं हूं। दिस इज बेटर देन मी। रियली? या रियली
भी चीज तुमसे ज्यादा खूबसूरत होगी, मैं उसका यही हाल करूंगा। There's nothing better than you, and for you I want nothing to be better than me. बहुत जला हूँ मैं इस अकेलेपन की आग में, पर तुम्हारे लिए मैं सारी दुनिया को जला सकता हूँ। मुझे तुम्हारी आदत हो गई है रिया, मेरे ख्यालों में भी अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं उसको जान से मार दूंगा, चाहे वो तुम्हें क्यों ना हो। डर लगता है मुझे तुमसे, डर लगता है। तो अब मिलने से डर नहीं लगता? लगता है, लेकिन ना मिलने का डर ज्यादा लगता है। साढ़े दस? ठीक साढ़े दस। अरे भाई ये क्या कर रही हो तुम? पूरी दुकान खोल रखी तुमने यहां पर, इतना सारा सामान ले जाने की क्या जरूरत है? तीन तीन पुलोवर, दो ओवर कोट, चार पांच मफलर, ये पांच छह शर्ट। अरे भाई हम लोग चांद पे थोड़े ना जा रहे हैं। अरे बाबा चांद पर जाती तो शायद इतना सामान नहीं ले जाती मैं। चार दिन छुट्टी मनाने जा रहे हैं, वहाँ कोई बीमार पड़ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मालूम है ना इन दिनों कितनी ठंड पड़ती है वहाँ। मामा पापा आप लोग कहीं जा रहे हैं? लीजिए, जिनके लिए ये सब झमेला हो रहा उन्हें आपने बताया तक नहीं। कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ। आइए इधर, यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है। देखो बेटा, जिंदगी ने इतने सालों में हम सबको चार दिन एक साथ गुजारने का मौका नहीं दिया। अभी तुम्हारी माँ उस दिन कह रही थी कि मेरे पेशेंट्स मुझे तुम दोनों से ज्यादा अच्छी तरह जानते हैं। बस इसमें मुझे आ गया गुस्सा, और गुस्से में मैंने एक एप्लीकेशन लिखी और इमरजेंसी ड्यूटी से मैंने चार दिन की छुट्टी ले ली। एंड नाउ टुमारो मॉर्निंग वी गोइंग फॉर अ हॉलिडे। There'll be musty, there'll be fun, there'll be... Cool, huh? Papa, वो तो ठीक है, लेकिन... चार दिन तुम्हारे लिए कम है। देखो बेटा, चार दिन में 365,600 सेकंड होते हैं। I guarantee you, एक एक सेकंड का हम मजा उठाएंगे। पापा, प्लीज। ओके, 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 समझ गया, समझ गया, समझ गया। तुम ठंडी जगह नहीं जाना चाहती हो। पापा, मैं कॉलेज जाना चाहती हूँ। अरे कॉलेज जाकर क्या करोगे, कल से तो दशहरे की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। एक मिनट रिया, दशहरे के दिन कौन सा कॉलेज खुला रहने वाला है? हमने सारा प्रोग्राम सोच समझ कर बनाया है बेटा। दो दिन दशहरे की छुट्टी, उसके बाद सैटरडे संडे, तुम्हारे कॉलेज का कोई नुकसान नहीं होगा। नहीं माँ, मुझे यहाँ काम है, मैं नहीं जा सकती। रिया, घर की चार दीवारी छोड़कर हम लोग यहां बाहर आए हो, तुम यहां भी चार दीवारी के अंदर बैठी हुई हो। व्हाट इज दिस? पूछोगे नहीं हम लोग किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? पापा मुझे कुछ देर अकेले रहना है। देखा तुम्हारे पापा ने कितनी खूबसूरत बोट बुक की है हमारे लिए, आज हम पूरा दिन इसी पे बिताएंगे। हाँ भाई, मैंने तो पूरा प्रोग्राम बना रखा है। मैं फिशिंग करूंगा, तुम्हारी मम्मा स्लीपिंग करेंगे और तुम्हारा हम लाफिंग करेंगे। पापा आप लोग चाहिए, मेरा मूड नहीं है। रिया क्या मतलब है मूड नहीं है? ऐसे बिहेव करना था तो यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, तुम्हें कोई खुशी नहीं है? खुशी दिखाने के लिए क्या करूँ, नाचूं, गाऊं या आपके सामने जोर जोर से हंसूं? कहा ना खुश हूँ तो खुश हूँ। रिया, रिया कम बैक। रिया शीतल,
ओके रिया, क्या बात? कुछ नहीं पापा। देखो रिया, मैं तुम्हारा पापा ही नहीं, तुम्हारा दोस्त भी हूं। यू कैन टेल मी एवरीथिंग। तुम मुझसे वो बात भी कर सकती हो जो तुम अपने दोस्तों से नहीं करती। एंड यू नो, मेरे पास तुम्हारे हर प्रॉब्लम का सलूशन। क्या बात? ऐसी कोई बात नहीं पापा। ऐसे नहीं यार, तो मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि सब ठीक है। कम ऑन। सब ठीक है पापा। ओके, यू प्रूव इट टू मी। याद है बचपन में हम लोग पियानो बजाया करते थे एक साथ, हाथ में हाथ रखकर? चलो देखें तुम्हें सब कुछ याद है कि नहीं। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। करना चाहती थी आर्यन। वादा फोन का नहीं, मिलने का था। पापा ने बिना बताए प्रोग्राम बना लिया था आर्यन। मैं उनका दिल नहीं तोड़ना चाहती थी, इसलिए मेरा दिल तोड़कर यहां चली आई ना। प्यार किससे करती हो, मुझसे या अपने पापा से? आर्यन। आर्यन से या डॉक्टर रणबीर से? प्लीज आर्यन, बिलीव मी, मुझे भी यहाँ के अच्छा नहीं लग रहा है। तुम मेरे पापा की हालत नहीं जानते हो। उस हादसे के बाद पहली बार उन्होंने कोई प्रोग्राम बनाया है। अच्छा? हाँ, आज से 15 साल पहले हम लोग छुट्टियों पे गए थे, मैं, पापा, मम्मी और मेरा बड़ा भाई रोहित। रोहित ने आइसक्रीम की जिद की और मैंने सोने की। मामा मेरे पास होटल में रुक गई और पापा रोहित को लेकर बाजार चले गए।
तो 6 महीने हॉस्पिटल में रहने के बाद घर आ गए, पर रोहित कभी वापस नहीं आया। यूं समझ लो आर्यन, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं आना चाहती थी, बल्कि अपने पापा को उन यादों से दूर लेकर आना चाहती थी जो इतने सालों से उनका पीछा कर रही है। तुम अपने पापा के लिए जो चाहे करो, लेकिन मेरे हिस्से का वक्त मुझे चाहिए। एक बात याद रखना रिया, तुम्हारे पापा की जगह सिर्फ तुम्हारे दिल में है, लेकिन मैं तुम्हारी सांसों में उतर चुका हूं। मुझे अलग किया तो इन सांसों को भी तुमसे अलग होना पड़ेगा। तुमने मुझे डराना शुरू कर दिया आर्यन। मैं चलती हूं पापा या आर्यन। कल शाम को उसे चाय पे बुला। हाय, एम आई लुकिंग गुड? यू ऑलवेज लुक गुड। अंदर आओ। आह वाओ, हेनरी मोर 1935. What's it called? The Family. It's called The Family. Right, sir. Ranbir Malhotra. Aryan. Aryan Trivedi. Kafi dilchaspi rakhte hain aap sculpture mein. खास तौर से इसके बारे में। दिस इज माय फेवरेट। इसमें पूरा परिवार एक साथ है, मैन वुमन चाइल्ड। शायद जिस चीज की कमी इंसान अपनी जिंदगी में महसूस करता है उसी की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होता है। हेलो। और ये है, समझ गया, You're Rhea's eldest sister. Rhea की बड़ी बहन हो, right? Wrong. मैं Rhea की मामा हूँ। What? But you look so, so young. Thank you. अच्छा, अभी नहीं, यहीं पर खड़ा रखेंगे, अंदर ले आएंगे। नहीं, चलिए। चलिए, please. मैं अंदर आऊँगा, मगर एक शर्त पर। वो क्या? चाय मैं बनाऊँगा। Okay. आइए, अंदर आइए। नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को खाना बना के खिलाऊंगा, इटालियन, फ्रेंच, चाइनीज, जो भी। लेकिन ये सब तुमने सीखा कहाँ से? कुछ जिंदगी ने सिखा दिया, कुछ जरूरत उन्हें। सर से जब छत उठ जाए तो इंसान बारिश और धूप से बचने के लिए हाथ पांव मारना खुद सीख जाता है। मम्मी पापा के एक्सीडेंट के बाद बस सब कुछ सीख लिया, खुद बनाना, खुद खाना, खुद जीना। आई सी।
मामा, you know, आर्यन's a very good painter also. आप इसकी पेंटिंग्स देखेंगी ना तो पागल हो जाएंगी. वाओ, आप चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं और क्या क्या करते हैं? काम क्या करते हैं? फिलहाल तो अपने हुनर पे खुद इतरा रहा हूँ. जब दुनिया पहचान लेगी तो पेंटर हो जाऊंगा. जोक्स अपार्ट सर, दो चार बड़े असाइनमेंट्स मिलने वाले हैं, उसका इंतजार कर रहा हूँ. तब तक ऑटो ट्रेडर्स में कार सेल्समैन का काम कर रहा हूँ. अब मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ. मुझसे? हाँ, अगर आपको एतराज ना हो तो. पूछो. आपने ये नहीं बताया कि आपको मेरी चाय कैसी लगी. बहुत अच्छी लगी, और उससे भी अच्छी लगी तुम्हारी बातें. अब आप मुझसे एक सवाल पूछ सकती हैं. क्या? कि मुझे कैसा लगा यहाँ आके. कैसा लगा? बहुत अच्छा. ऐसा लगा कि मेरा खोया हुआ परिवार मिल गया मुझे. तुमने तो सब पे जादू कर दिया है. तुम्हारी माँ की बात अलग है, पर लगता है तुम्हारे पापा को मैं पसंद नहीं आया. आप अभी तक ऐसे ही बैठे, चेंज नहीं करना? क्या ठीक नहीं है? ये लड़का रिया के लिए ठीक नहीं है. जानती हूं क्या सोच रहे हैं आप. लड़का अभी तक पूरी तरह अपने पैरों पर खड़ा नहीं है, यही ना? धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा. सबसे बड़ी बात तो यह है कि लड़का रिया को खुश रखेगा. दैट्स इंपॉर्टेंट. बाकी हमें कौन सी उनकी तुरंत शादी करानी है. जब वो कमाने लगेगा तब. बात कमाने ना कमाने की नहीं है. तो फिर क्या बात है? ओह, अपनी बेटी से अलग होना पड़ेगा ये सोचकर परेशान हो. अभी से ये सोच सोच के दुखी हो रहे हो कि रिया के बिना कैसे रहोगे? ये बात नहीं है शीतल. इस लड़की के चेहरे को मैंने कहीं देखा है? कहां देखा है मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि इस चेहरे के साथ जो भी जुड़ा हुआ है वो अच्छा नहीं है. अच्छा नहीं. बॉस, आ गया तेरा ऑटो ट्रेडर्स. तेरी नौकरी का टाइम आ गया. दुनिया को कहते हैं कार का सेल्समैन है बेकार का सेल्समैन. अरे एक मिनट यार, ये यहाँ से कैसे चुराएंगे? अगर कस्टमर को नई गाड़ी चाहिए तो और किधर जाएगा? तेरा प्लान क्या है? प्लान यही है कि कोई प्लान नहीं है. क्या मतलब? क्या कर रहा है तू आर्यन? पागल हो गया तू? आर्यन मत जा. कहाँ जा रहा है तू? रुक जा आर्यन. तुझे अगर जेल की रोटी खाने का इतना शौक है तो चल, मैं इंतजाम करता हूँ. अरे रुक जा आर्यन, मेरी बात मान. कहाँ जा रहे हो? ए क्या रे, भाग लोगे यार. ए कौन है?
गाड़ी की चाबी ला, टेबू चाबी ले, चल जल्दी कर, चल पहली चाबी ले, ले चाबी। चल चाबी दे। आर्यन जल्दी चल, बहुत दर्द हो रहा है। आर्यन बहुत दर्द हो रहा है, बहुत खून निकल रहा है। आर्यन हॉस्पिटल लेके चल मेरे को, जल्दी चल, जल्दी चल। अरे यार क्या नाटक है, तब से इधर से उधर कर रहा है, मालूम है कितना दर्द हो रहा है मेरे को। तुम लोगों ने मेरा गाड़ी बेचेगा ना। अबे ठक्कन, गाड़ी नहीं बेचते तो माल कहाँ से आता है? एकदम फाइव स्टार हॉस्पिटल में तेरे को लेकर आए। एयर होस्टेस जैसी नर्स जब तुम्हारी ड्रेसिंग करेगी ना नरम नरम उंगलियों से, आए देबू एकदम मजा। आई सेड नेक्स्ट। चल तेरा ऑपरेशन का टाइम आ गया। क्या हो गया इसे? बैठाओ बैठाओ। कुछ लोगों को उंगली देने का आदत रहता है, इसको पूरा हाथ देने का था, पूरा दिया कांच में फोड़ डाला। शट अप, डोंट ट्राई टू एक्ट स्मार्ट, पल्टी करके दिखाओ। दो पल्टी खून निकला। रिलैक्स रिलैक्स, ये इंजेक्शन लिख कर दे रहा हूँ, नीचे मेडिकल शॉप है, वहां से जल्दी लेकर आओ। कितने का है? अरे मैं लेके आता। तो अच्छी खबर यह है कि आज के बाद आपके चेहरे पर बैंडेज लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन डॉक्टर साहब, ये चेहरे के निशान चले जाएंगे धीरे धीरे। मैं क्रीम और कुछ टैबलेट्स लिख दूंगा आपके लिए, हफ्ते भर बाद आप वापस आ जाइएगा यहाँ पे। एवरीथिंग विल बी फाइन, डोंट वरी। ठीक है। डॉक्टर साहब, वो क्या हुआ? वो आदमी, वो Ha!
माय गॉड, रिया, आर यू ओके? रिया, ओ माय गॉड, फिर नाश्ता किए बगैर चली जा रही हो तुम? पापा मैं कैंटीन में कर लूंगी। अरे इधर का इधर का ये क्या है? पापा कुछ नहीं, वो थ्रो बॉल खेल रही थी बस लग गई। मेरी एक्स्ट्रा क्लास है, मैं चलती हूँ। शीतल मैं तुमसे कह रहा हूँ, ये लड़का ठीक नहीं है रिया के लिए। बहुत जल्द हमें उसके बारे में पता लगाना होगा। कहां देखा उसे मैंने पहले? Where have I seen him? हाय रिया। हाय, क्या जरूरी काम था? तुम कॉलेज भी नहीं आए? तुम अंदर आओ ना। कमिन कमिन कमिन। मैं चलती हूँ। मेरी बात सुनो रिया, तुम मेरी बात सुनो। देखो कल इसने जो कुछ भी किया ना, इसके लिए बहुत शर्मिंदा रिया। ये बहुत शर्मिंदा उसके लिए। जब इसे पता चला कि हम दोनों सिर्फ दोस्त थे, ये सुबह सुबह यहाँ आ गया। इसने मुझसे माफी मांगी, मेरे पैर भी छुए रिया। इसमें इसका क्या दोष? ये तुमसे प्यार करता रिया, ही लव्स यू। देखो मैंने इसे माफ कर दिया, मैंने माफ कर दिया, तुम इसे माफ कर दो, छोड़ो। दीपक, आई हैव टू गो। रिया मेरी बात सुनो रिया, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती? दीपक लेट मी गो। मेरी बात कम से कम छोड़ो रिया। तुम्हारी चुप्पी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। या तो जी भर के नफरत कर लो मुझसे, या जी भर के प्यार कर लो। हाँ देखिए, बाहर से देखने में सब ठीक ही लग रहा है, फिर भी मैंने डॉक्टर अस्ताना से बात कर ली है फोन पे। आप उनसे जरा मिल लीजिएगा। हाँ, शायद एक आध टेस्ट और करने पड़े आपको। जी, नंबर उनके कार्ड पे होगा। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं आपको देता हूँ।
मैं यहां बैठने के लिए नहीं आया हूं, सिर्फ तुम्हें इतना बताने आया हूं कि आज के बाद तुम कभी रिया से नहीं मिलोगे। पूछ सकता हूं क्यों? क्योंकि मेरी बेटी बहुत नादान है, जानवर और इंसान में फर्क नहीं समझती वो। तुम अपना असली चेहरा छुपाकर उससे झूठ बोलते रहे और वो तुम पर यकीन करती गई। झूठ बोल बोल कर तुम उसकी हमदर्दी पाते रहे और वो बेचारी तुम्हारी बातों में फंसकर तुम्हारे करीब आती गई। लेकिन अब मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। आज तक मुझे तुम्हारे अतीत के बारे में कुछ नहीं मालूम था, अब सब कुछ मालूम पड़ गया। क्या जान गए हो आप? ये है तुम्हारी असलियत। तुम्हारे पिता की मौत किसी कार एक्सीडेंट से नहीं हुई थी, तुमने अपने हाथों से खुद उन्हें जिंदा जला दिया था। You are a delinquent. Criminal हो तुम। 3 साल काटे हैं तुमने एक रिमांड होम में। मैं चाहता तो ये बातें पहले अपनी बेटी को बताता, लेकिन मैं उसका दिल नहीं तोड़ना चाहता था। जिस आदमी पर उसने इतना भरोसा किया, उसका यह घिनौना चेहरा मैं उसे दिखाना नहीं चाहता था। तो तुम्हारे लिए बेहतर यह होगा कि जिंदगी भर के लिए तुम उससे चुपचाप दूर चले जाओ, हमेशा के लिए। अगर मैं इनकार कर दूं तो? फिर मैं वही करूंगा जो एक बाप अपने बच्चों को किसी जंगली जानवर के पंजों से बचाने के लिए करता है। या तो वो जानवर को पिंजरे में बंद कर देता है या फिर उसे गोली मार देता है। नहीं हो डॉक्टर रणबीर मल्होत्रा, जो बड़े बूढ़ों की धमकियों में आके अपने प्यार की कुर्बानी देते हैं। प्रिया मेरी जिद है और मैं अपनी जिद को हर हाल में पूरा करके रहूंगा। तू क्या मुझे डराएगा डॉक्टर? तू तो खुद डरा हुआ है। और रहा सवाल मेरा, रणबीर मल्होत्रा, याद रखना, जो आदमी रिया के लिए अपना खून बहा सकता है, वो किसी का भी खून बहा सकता है।